गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपने कृतिका बुक का चैप्टर 4 माटी वाली करेंगे, जिसके लेखक है विद्यासागर नोटियाल। इसमें टिहरी शहर के में जब टिहरी बांध बना उसकी समस्याओं के बारे में जिक्र किया गया है विद्यासागर ने। इसमें एक बूढ़ी औरत का जिक्र किया गया है जो कि हरिजन जाति की थी। ये बूढ़ी औरत हर घर में टिहरी शहर में हर घर में मिट्टी पहुँचाने का कार्य करती थी। ये लाल मिट्टी पहुंचाती थी जो कि चूल्हे चौके लीपने के काम आती थी। ये बूढ़ी औरत टिहरी शहर में हर किसी को जानती थी और सारे लोग इसे जानते थे। जब वह किसी घर में पहुंचती है, मिट्टी डालती है, तब उसे मालकिन उसे दो रोटी देती है। जब मालकिन रसोई में चाय लेने के लिए जाती है तो एक रोटी अपने पल्लू में छुपा लेती है अपने बूढ़े पति के लिए। फिर वो मालकिन से कहती है, जब मालकिन उसे चाय देती है तो कहती, चाय भी साग लगता है, मतलब साग का मतलब है सब्जी, कि जब कुछ नहीं, जब भूख लगी होती है तो सब कुछ ही सब्जी जैसा लगता है। मालकिन भी कहती, भूख भी अपने आप में एक साग है, मतलब जब भूख लगी हो तो कुछ भी अच्छा लगता है, रोटी अकेली खाओ तो भी टेस्टी लगती है। फिर मालकिन उसे पित्तल के बर्तन में चाय देती है, तब वो कहती है माटी वाली कि आजकल तो सब स्टील और कांस के गिलास में ही चाय पीते हैं। तब मालकिन उसे कहती है कि ये पुरखों की विरासत है, मैंने इसे संभाल कर रखा है। फिर उसे दूसरे घर में जाती है, वहां पर भी उसे दो रोटी दी जाती है। उस रोटी को भी वो अपने बूढ़े पति के लिए रख लेती है, अपने पल्लू में बांध लेती है। इसी प्रकार वो घर घर जाती है, माटी खाने से मिट्टी लाती है और हर घर में पहुंचाती है। जब वो रास्ते से जा रही होती है तो वो अपने पति के बारे में सोचती है कि मैं अपने पति को खाना दूंगी, और वो रास्ते में प्याज भी खरीद लेती है। कहती, मैं अपने पति को प्याज की चटनी के साथ खाना दूंगी और मेरा पति खुश हो जाएगा। रास्ते में ये सोचती हुई जा रही थी, जब वो घर पहुंचती है तो उसका बूढ़ा पति उसे छोड़कर जा चुका होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। इतने में ही टेहरी बांध के अधिकारी उसके घर आते हैं कि मिट्टी खाना जो है उसके नाम है। तब वो बूढ़ी औरत कहती है, नहीं, मिट्टी खाना मेरे नाम नहीं है। जब उसे कागज़ दिखाने के लिए कहते हैं कि ये झोंपड़ी तेरे नाम है, तो कहती, नहीं, मेरे नाम तो कुछ भी नहीं है। तो फिर वो कहती है, जब टेहरी बांध बन जाएगा मेरी रोजी रोटी का जुगाड़ कहाँ से होगा। तब अधिकारी कहते हैं, हमें इसका नहीं पता कि ये आपकी रोजी रोटी का जुगाड़ कहाँ से होगा। तो वह बाहर बैठकर हर आने जाने वाले को कहती है कि गरीब का तो मरने के बाद ही शमशान ही घर होता है, कि गरीब का जीते जी तो कुछ भी नहीं होता, जहाँ वो मरता है वही उसकी जमीन होती है। इसमें इस बूढ़ी औरत की बहुत ही समस्याओं का दर्द भरा चित्रण किया गया है।